तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो कोई टिप बता दें कि किस तरह से कोरोना को फाइट किया जा सकता है, फिर इसके बाद हम दिल के जुमला अमराज पे आएंगे। सबसे पहले तो देखें, हमारे पास कोरोना की, जैसे आपको पता है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई ऐसे ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे पास सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। हमारे पास कोई जो है उसकी समझ लें एक्यूरेट ट्रीटमेंट अभी तक हमारे पास नहीं है। तो एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो हमारे पास प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन के हमारे पास कई तरीके जो कि आप देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं और हर जगह आ भी रहे हैं और मुसलसल बताए भी जा रहे हैं टीवी से और हर जगह से कि मुसलसल आप अपने हाथों को धोएं, ठीक है। आप बाहर हैं, अगर आप कहीं भी बाहर हैं तो अपने मुंह पर हाथ ना लगाएं, ठीक है, लोगों से हाथ ना मिलाएं। अब इस पर कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं कि भाई हाथ क्यों ना मिलाएं, ये तो बहुत अजीब सी बात कर दी आपने डॉक्टर साहिबा। तो हमेशा ये होता है कि एहतियात जो है, आपको आपको पता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अगर थोड़े दिनों के लिए हम हाथ नहीं मिलाएंगे और दूर से अस्सलाम वालेकुम कर देंगे या आप किसी तरह झुक लें, यहाँ पे कई तरीके हो सकते हैं जिससे आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आप वो कर लें। फिर अपने पास हैंड सैनिटाइज़र रखें, लाजमी हैंड सैनिटाइज़र रखें, मुसलसल हाथ धोएं, बाहर से आने के बाद बगैर हाथ धोए अपने मुँह पर हाथ ना लगाएं। और अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और किसी ऐसे कंट्री से आप ट्रैवल करके पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, जैसे कि USA, इटली, फ्रांस, स्पेन, कहीं भी यूरोपियन कंट्रीज से, कहीं भी ईरान, इराक, कहीं भी यूरोपियन कंट्री से या इन कंट्री से अगर आप ट्रैवल करके वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, तो एयरपोर्ट से आते ही जो है वो पहले आप वार्म वाटर से आप बाथ लें और उसके बाद अपने घर वालों से मिलें। इवन अपने घर वालों से भी उससे पहले ना मिलें, अपनी जो है वो नोज़ को खाली करें पहले और अपने बॉडी को सही से धोएं, देन जो है वो अपने घर वालों से मिलें। आपको नहीं लगता कि उनको टेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा बहुत आइसोलेशन करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में ऑफ कोर्स अगर कोई भी कैरियर हो उसको तो पता नहीं चलता, लेकिन जिसका वीक इम्यून सिस्टम होगा उसको तो फौरन आ जाएगा। जी, हम जो है वो टाइम की बात कर रहे थे कि उनको कुछ दिनों के लिए आइसोलेट हो जाना चाहिए, उसमें 14 डेज जो है टाइम वो आ रहा है कई जगहों पर कि 14 डेज के लिए कोई भी अगर ऐसे कंट्रीज से आ रहा है तो फिर उन्हें आइसोलेट कर लेना चाहिए। अच्छा, देखिए इसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि ये दुनिया में पहले आया है और हमारे पास बाद में आया है, ठीक है। तो इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है वो हमारे लिए मॉडल है, तो वहाँ पर देखिए इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि जो सिम्टोमेटिक हो जाते हैं उनका तो हमें पता है, मगर प्रॉब्लम वो लोग कर रहे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनमें कोई अलामतें नहीं हैं और दुनिया में ये वायरस क्योंकि एक नोवेल वायरस है इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं हैं, और जो मालूमात भी अभी आ रही है डेली बेसिस के ऊपर ऑन गोइंग मालूमात है सारी, ठीक है। तो जो भी एक्सपर्ट्स हैं इस वक्त कन्फ्यूज रहे हैं कि हम क्या रिकमेंडेशंस दें क्या ना दें, तो सबसे इस वक्त जो कंसर्निंग पॉइंट है वो है कि इसके फैलाव को रोका जाए, और उसमें सबसे जो बेस्ट तरीक़ेकार इस वक्त दुनिया ने आइडेंटिफाई किया है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी बाहमी मेल मिलाप को हम जितना रिड्यूस कर सकें वो करें। हमें नहीं पता, हम ये नहीं कह सकते कि यार इसको तो नज़ला ज़ुकाम नहीं है मैं इससे क्यों ना मिलूं, जिसको नज़ला ज़ुकाम नहीं है वो भी वायरस फैला सकता है, तो हमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम करना है, गैर ज़रूरी शादियाँ तकरीबात ये नहीं करनी है। बाकी जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, सब बता रहे हैं कि हमें बार बार हाथों को अपने वॉश करना है, सलाम कर लें, हाथ ना मिलाएं, गले ना लगें, ये वो चीज़ें हैं जो प्रिवेंटिव। आई थिंक एक नॉर्मल फ्लू में भी इंसान को थोड़ा बहुत डिस्टेंस करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल फ्लू भी उतना ही डेंजरस है जितना ये है। जहाँ तक रही डाइट की बात, तो हमेशा से ये कॉन्सेप्ट रहा है कि हेल्दी डाइट का इस्तेमाल, हमेशा अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखें, और हेल्दी लाइफ स्टाइल किस तरीके से हो सकता है, प्रॉपर ईटिंग, जो हमारे अल्लाह ने नेमतें दी उन सब का इस्तेमाल कीजिए, सब्ज़ी है, दाल है, गोश्त है, और हमेशा से कहा गया है कि हेल्दी ईटिंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, और उसी का नतीजा है समटाइम हम उस चीज़ को बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं और केयरलेसनेस अपनी हेल्थ के हवाले से कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से नतीजे हमारे सामने आते हैं और बीमारी रूनमा होती है। तो इससे बेहतर है कि बंदा शुरू से ही उस चीज़ का ख्याल रखे, कोरोना वायरस हो या जो भी बीमारी हो, हेल्थ मेन प्रायोरिटी है, और हेल्थ की हिफाजत उसी वक्त हो सकती है जब हम प्रॉपर ईटिंग करेंगे, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अपने प्रॉपर टाइमिंग रखेंगे खाने की क्वांटिटी का, यानी बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करेंगे, आपकी इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी, बेहतर रहेगी।